संजय सैमुअल, मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और एक फिजिक एथलीट हूँ, और आज मैं आपको बताऊँ क्रिएटिन के बारे में। क्रिएटिन होता क्या है, क्रिएटिन के फायदे और उसके साइड इफेक्ट्स क्या है, और क्रिएटिन को यूज करने का सही डायरेक्शन क्या है। तो प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अब क्रिएटिन एक नॉन प्रोटीन सब्सटेंस होता है जो नेचुरली अपने मसल सेल्स में पहले से प्रेजेंट होता है, और ये बनता है तीन अमीनो एसिड से, आर्जिनाइन, दूसरा है ग्लाइसिन और तीसरा होता है मिथेनाइन। अब जब हम क्रिएटिन कंज्यूम करते हैं तो अपनी बॉडी में एटीपी जनरेट होता है। एटीपी एक तरह का एनर्जी प्रोसेस होता है जो अपने मसल सेल्स में ट्रांसफर होता है, और ये मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन, नर्व इम्पल्स प्रोपोगेशन और केमिकल सिंथेसिस, और जो भी एनर्जी ट्रांसफर होती है लिविंग सेल्स में उसमें एटीपी रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए। और जब आप क्रिएटिन को कंज्यूम करते हैं, जब एथलीट सप्लीमेंट फॉर्म में जब क्रिएटिन को कंज्यूम करते हैं, तो ये आपकी बॉडी में आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, आपका मसल मास इंक्रीज होता है और आपको स्ट्रेंथ मिलती है, आप लॉन्गर ड्यूरेशन तक और अच्छे वर्कआउट अपना इफेक्टिवली कर सकते हैं। अब क्रिएटिन पाया जाता है हाई प्रोटीन सोर्सेज में, अब जैसे मीट हो गया है, चिकन हो गया है, फिश होता है, इसमें क्रिएटिन 1 ग्राम पर 100 ग्राम में पाया जाता है, मतलब 1 ग्राम पर 100 ग्राम्स में क्रिएटिन की क्वांटिटी प्रेजेंट होती है सारे नॉनवेज प्रोडक्ट्स में, फिश, मीट और चिकन में। क्रिएटिन के बेनिफिट्स बहुत सारे होते हैं, ये इसे कंज्यूम करने के बाद आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और वेट लिफ्टर्स और स्प्रिंटर्स यूज कर सकते हैं क्रिएटिन को, और ये बहुत बेनिफिशियल होता है वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर्स और एथलीट्स के लिए जो कबड्डी खेलते हैं, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और जो वेट लिफ्टिंग करते हैं जो वेजिटेरियन हैं वो इसे यूज कर सकते हैं। मसल रिकवरी आपकी अच्छी होगी क्रिएटिन को कंज्यूम करने के बाद, आपका मसल मास बढ़ेगा, और ये बहुत सारे एथलीट्स और जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं उसमें एथलीट्स द्वारा क्रिएटिन यूज किया जाता है। अब क्रिएटिन के साइड इफेक्ट्स की हम बात करेंगे तो इसमें आपको वेट गेन हो सकता है, एंग्जाइटी, डायरिया, आपको फटीग हो सकता है, फीवर हो सकता है, बुखार आ सकता है, हेडेक हो सकता है, सर दुख सकता है आपका, किडनी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आपको, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और स्टमक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपको, स्टमक अपसेट हो सकता है आपका। तो ये सब प्रॉब्लम्स होती है जब आप क्रिएटिन की मात्रा अगर सही तरीके से या तरीके से उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अगर आप ओवर क्रिएटिन को यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये सब साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अब क्रिएटिन को यूज करने का सही तरीका क्या है? अब क्रिएटिन आप इसे वर्कआउट से पहले और वर्कआउट के बाद ले सकते हैं, और 5 से 6 ग्राम से ज्यादा क्रिएटिन आपको यूज नहीं करना है। 3 ग्राम क्रिएटिन आपको वर्कआउट से पहले लेना है और 3 ग्राम क्रिएटिन आपको वर्कआउट के बाद लेना है, और जिसे किडनी प्रॉब्लम है, लिवर डिजीज है और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो क्रिएटिन को यूज ना करें, और डायबिटीज है जिसे जिन लोगों को वो भी क्रिएटिन यूज ना करें, और जिन बच्चों ने अभी वर्कआउट शुरू करा है, अभी वो वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करी है, अभी वो जिम जाने लगे हैं, तो वो भी क्रिएटिन को यूज ना करें, और 18 साल से कम के बच्चे भी क्रिएटिन को यूज ना करें, और जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो भी क्रिएटिन को यूज ना करें। और जब आप क्रिएटिन को कंज्यूम करते हैं तो आप पानी अधिक से अधिक ज्यादा पिए, तो पानी की रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी में आपको रखनी पड़ेगी, 4 से 5 लीटर पानी आपको रोज कंज्यूम करना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, ताकि अपनी बॉडी को आप हाइड्रेटेड रखें, तब आपको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी जब भी आप क्रिएटिन को यूज करते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? मैं आपको फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक में। तब तक लाइक, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फिटनेस को। तब तक के लिए शुक्रिया।